हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक झटपट बनने वाला चिकन रेसिपी। देखो मेरा बेटा भी आ गया है। तो हम ये रेसिपी बहुत बनाते हैं, क्योंकि जब मेरा तबीयत खराब रहता है, नहीं तो कुछ बनाने को मन नहीं करता है, तब हम ये रेसिपी ट्राई करते हैं। ये रेसिपी खास करके बैचलर लोगों के लिए है, जिन लोगों को चिकन खाना बेहद पसंद है, लेकिन चिकन बनाने का तरीका से उन लोग मतलब नहीं बनाते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। इसी तो हम आज वही दिखाएंगे घर में कैसे जल्दी और आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो मैंने कुछ चीज़ ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें मैं क्या क्या डाला हूँ मैं बताता हूँ। इसमें मैं 2 मीडियम साइज का प्याज और 2 मीडियम साइज का टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको पीस लिया हूँ। मैंने कुछ खड़े मसाला लिए हैं, गोल मरीच और काला मिर्च और इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा साबुत जीरा, इसको भी हम इसमें डाल दें। चलिए इसको हम लोग ग्राइंड कर ले। देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो मैं इतना चिकन लिया हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक, नींबू का रस। डालने के बाद इसमें हम जो मिक्स किए हुए बैटर है ग्राइंड, हम इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालें और इसको फ्रिज में रख देना मिलाने के बाद, तो अच्छा बनता है। और कम से कम मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी। इसको डाल के तेल के साथ इसको अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करेंगे और अच्छे से कसेंगे इसको। देख सकते हो इसमें चिकन ने अपने कितना पानी निकल दिया है, इसमें चिकन पक जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं डालने का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग बैटर में सब कुछ डाल के रखे थे। तो इसमें बस ये चीज़ डालना है, एक चिकन मसाला डालना है। मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, डाल के इसको मिला देंगे। ख़त्म होता है तब तक इसको फ्राई करते जाएंगे। इसका पानी ख़त्म हो जाएगा और ये अपने मसाला अपना तेल छोड़ देगा। तब तक इसको हमको फ्राई करना है। कुछ देर पकाने के बाद इसका जितना मसाला था सब कम हो गया है और चिकन ने अपना तेल छोड़ दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्रेवी वाला चिकन खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया हूँ। उसके बाद इसको मिला लेंगे और ढक के और 5-10 मिनट पकाएंगे इसको भी। चलिए हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। देखिए हमारा चिकन बन के तैयार है, हम लोग प्लेटिंग भी कर लिए हैं। अब बस इसका ऊपर से बस थोड़ा सा हरा धनिया दे देना है गार्निशिंग के लिए, और हम लोग का झटपट बनने वाला चिकन रेसिपी तैयार है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा, और अगर रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।